Hello friends, आज हम इस वीडियो में एक इन्वेटर बनाएंगे, जिसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इन्वेटर बन गया है, और ये 9 वाट का बल्ब इस पर अच्छे से ग्रो हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लेने हैं, उसका नंबर है 13007। उसको हमको हीट सिंक पे लगाना है, जैसे हमने एक लगाया पहले से ही है, दूसरे को भी पहले लगाते हैं। देखिए ये भी अच्छे से हीट सिंक पर लग गया। अब हमको यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लेने हैं 330 ओम्स का। अब हम इसकी बॉडी पर आते हैं, जो कि हम वुडन की बना रहे हैं। इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, आप अगर अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। हम फिर भी आपको इसका साइज़ दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल बटन को, और इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। एक वुडन पर हमने पहले ऑन ऑफ स्विच और 5 पिन स्विच लगा कर रखा है, और एलईडी के लिए एक होल भी किया है। हम अब इन दोनों ट्रांजिस्टरों को इस वुडन पर चिपकाएंगे। हम फेविक्विक से इनसे इस पर चिपकाएंगे। अब जैसे देख पा रहे होंगे, ये दोनों अच्छे से चिपक गए हैं, बहुत ही मजबूती के साथ। अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना है, उसको ऐसे सेम तरीके से लगाना है। आपको अगर कन्फ्यूजन रहेगा किसी भी कनेक्शन में, हम आगे इसका डायग्राम भी देंगे इसी वीडियो में। अब जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है, उसको दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग से कनेक्ट करना है, जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हमें यहाँ पर एक ट्रांसफार्म लेना है, ये 12012 1 एम्पियर का है। आप इसका 2 एम्पियर या 3 एम्पियर भी ले सकते हैं, वो इससे अच्छा वर्क करेगा, वो मगर थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। अब हमें ट्रांसफार्म की पहली वाली येलो वायर इसके साथ सोल्डिंग कर देना है, जिसे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब दूसरी वाली वायर हमको लेनी है, ये दूसरी वाली वायर के साथ कनेक्ट करना है, देखिए ऐसे सेम तरीके से। अब जैसे देख पा रहे होंगे, इसके साथ सोल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें एक छोटी सी वायर लेनी है, ये जंपिंग वायर होगी। ये ट्रांजिस्टर की जो जो लेग दोनों को छूट गई है, उस पर सोल्डिंग कर देना है, इन लेग उस पर। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे सेम तरीके से अभी करना। हम आगे इसका डायग्राम भी देंगे। आपको यहाँ पर ऐसे वायर दो लेने हैं, जो ट्रांजिस्टर में बीच वाली ब्लैक वायर निकलती है, वो उसके साथ आपको बैटरी को प्लस सोल्डिंग कर देना है, और जो दूसरी वायर है वो ट्रांजिस्टर के जंपिंग वायर के साथ। हमने इसमें रेड एलईडी भी फिट कर दी है, और उसके साथ 1K रेजिस्टेंस भी लगाया है माइनस वाली लेग के साथ। अब हम इसको ऐसे ग्लू के साथ बंद कर देंगे फेविक्विक से। अब हम ऐसे ही दो पीसेस लेंगे, उसको ट्रांसफार्म के साथ बंद करेंगे। ये नीचे से भी थोड़े निकल गए, हमने उसको कट किया, ये मरना अच्छे से बंद हो गया। अब हमने ये भी इसके साथ फेविकोल के साथ बंद किया है। अब इन दो वायरस को हमको यहाँ पर 5 पिन स्विच के साथ लगाना है, देखिए हमने 5 पिन के साथ लगाया। अब हम यहाँ पर रेड एलईडी की प्लस वाली लेग को ट्रांसफार्म की बीच वाली लेग के साथ कनेक्ट करेंगे, जो ब्लैक वाली है, और फिर हम इनको ऑन ऑफ स्विच में लगाएंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए आसानी के साथ इसमें लग गया ऑन ऑफ स्विच के साथ। अब जो एलईडी की दूसरी वायर है माइनस वाली, उसको हम सीधे इस जंपिंग वायर के साथ लगाएंगे, जो सीधे इसमें लगेगा, देखिए ये भी हमने लगाया। अब हमें रेड वायर लानी है, जो प्लस वाला बैटरी के साथ कनेक्ट करना है,
وام اس آناف سوچ کے ساتھ لگائیں گے دیکھیں یہ دو وائر اب ہم کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اسی کے ساتھ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا آپ اب اس کا ڈرائی گیم دیکھ سکتے ہیں اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کی باڈی پہلے کمپلیٹ کریں گے ایسے ان کو چپکائیں گے فیوی کول کی مدد سے دیکھیے بھی چپک گیا ہم اب اوپر سے بھی اس کو چپکائیں گے دیکھیے اوپر سے بھی اب اس کا چپک گیا ہے ہم اس کو پیچھے والا حصہ لگائیں گے اس کو ہم نے پہلے دو ہول کیے تھے اب اس میں وائر نکلے گی جو بیٹری میں کنیکٹ ہوگی دیکھیے اچھے سے اب اس میں فٹ آ گیا دیکھیے اسی کے ساتھ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم پہلے سینڈ پیپر سے اس کی تھوڑی بہت فنشنگ کر دیں گے اس کی کونوں پر دیکھیے اب ہم نے اس کی فنشنگ بھی کر دی ہے اب اس کے اوپر بلیک والا پینٹ بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی سا بھی کلر کا پینٹ لگا سکتے ہیں ہم اس کے اوپر پینٹ نہیں کریں گے ہم ایسے رکھیں گے ہم اس کے یوز پر آتے ہیں یہ 12 وولٹ کی بیٹری ہے اس کو ہم نے خود ہی بنا ہے اس کی لنک آپ کو ادھر مل جائے گی اب ہم اسی کو اس کے ساتھ چلا کے دکھائیں گے اس کو ہم نے پہلے ہی یلو والی وائر مائنس رکھی تھی اور ریڈ والی وائر پلس رکھی تھی اور بھی کلرنگ میں وائر لگانا پھر آسانی رہے گی پہچاننے میں دیکھیے آسانی سے ورک کرنے لگا ہے ہم اس پر یہ 9 وات کی بلب لگا کر دکھائیں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو دیکھیے اچھے سے گرو ہو رہا ہے یہ ہم نے اسی لیے کھول کے رکھا ہے کیونکہ یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے ہمارے چینل پر آپ کو کوئی بھی فیک ویڈیو نہیں ملے گی ہم اس پر پاور بینک کو چارج کر کے دکھائیں گے اس پاور بینک کو بھی ہم نے خود ہی بنایا تھا اس کی لنک آپ کو اوپر مل جائے گی دیکھیے اس پر پاور بینک بھی اچھے سے چارج ہو رہا ہے آپ اس پر فون بھی چارج کر سکتے ہیں اب ہم اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں گے اے سی وولٹیج میں یہ کتنا دیتا ہے یہ 888.8 وولٹیج دے رہا ہے اب ہم اس پر دوسرا 9 وات کا بلب لگائیں گے دیکھیے یہ بھی اچھے سے برائٹ ہو رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور پریس کرو بیل بٹن کو اور اس ویڈیو کو بھی لائک کرو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں